चलिए आगे बढ़ते हैं बदायूं से अगली खबर, जहां पुरानी रंजिश में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत मां और पत्नी की हत्या का ये मामला, जहां मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, जांच जारी है। बदायूं के 17 गांव में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। बेखौफ हमलावरों ने 13 हत्याकांड को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी, उनकी माताजी के गोली मारकर हत्या की गई। मौके पर ग्राम सथरा में भारी पुलिस बल तैनात है। आला अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। राकेश गुप्ता के परिवार में कई ग्राम की प्रधानी भी है, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य आदि पद रहे हैं। राकेश गुप्ता की छवि एक कद्दावर नेता की रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वही आगरा में बेखौफ दबंगों की गुंडागर्दी देखने मिली, जहां घर में घुसकर लड़की को जबरन साथ ले गए दबंग। 2 दिन के बाद घर वापस अगवा हुई लड़की लौटी। दबंगों की गुंडागर्दी का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। लड़की के परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। तो आगरा से खबर सामने आई, जहां बेखौफ दबंगों की गुंडागर्दी, घर में घुसकर एक लड़की को जबरन अगवा किया गया। 2 दिन के बाद लड़की घर वापस लौटी, और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसका एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। लड़की के परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। परिवार वालों का आरोप है, आए दिन दबंग लड़की के साथ छेड़छाड़ करते थे। बेखौफ दबंगों की पुलिस को खुली चुनौती है। थाना ताजगंज क्षेत्र के कोलखा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां झरकून गांव में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। यहां नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम 4,70,000 की लूट को अंजाम दिया और गोली मारकर व्यापारी से लूटकर रफूचक्कर हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद है, ये बड़ी जानकारी। नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम 4,70,000 की लूट को अंजाम दिया और गोली मारकर व्यापारी से लूटकर रफूचक्कर हो गए। बहरहाल घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मेरठ में एक टेम्पो अचानक आग का गोला बन गया। मामला किठौर इलाके में मेरठगढ़ रोड का है, जहां चलते ऑटो में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। 3 व्हीलर ऑटो में आग लगने से अंदर बैठे लोग कूदकर भाग निकले। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए बीच सड़क पर किस तरीके से ऑटो में आग लगी है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति हो गई। मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। मेरठ से तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। टेम्पो सही कराने के लिए चालक जा रहा था, इसी दौरान अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास भी अफरा तफरी की स्थिति हो गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से टेम्पो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। तो मेरठ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अचानक से आग लगने की वजह से किस तरीके से भगदड़ हुई है। टेम्पो आग का गोला बन गया है, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बीच सड़क पर ऑटो में अचानक से आग लग जाती है, मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। मेरठ से तस्वीरें सामने आई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।